बोर्ड सरकार ने बनाया, तो मैं वही देख रहा हूँ कि कितने पुराने समय से इन चार धामों में लोग आते थे, यात्री आते थे अपनी धार्मिक भावना के साथ में, उनको पूजा कराते थे मंदिरों में तीर्थ पुरोहित पंडा समाज, और चारों मंदिरों में अलग अलग परिस्थितियाँ होती थी अलग अलग प्रकार से पूजा कराने के। ये पुराने समय से चल रहा है, बहुत पहले से। पहले क्या होता था, जब यात्री आते थे तीर्थयात्री, तो सड़कें नहीं होती थी, रास्ते में रहने की जगह नहीं थी, बीच में खाने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो तीर्थ पुरोहित इन मंदिरों से नीचे आते थे पहाड़ों से, और हरिद्वार और भी जाके जो प्लेन के इलाके हैं वहाँ से अपने तीर्थ अपने यजमानों को लेकर के जाते थे ऊपर दर्शन कराने। रास्ते में बीच में चटियाँ बनाते थे ताकि जानवरों से भी बचाव हो, उनको खाने की व्यवस्था करते थे, कोई बीमार हो रहा तो थोड़ी बहुत औषधियाँ लेके जाते थे, कपड़े लेकर के जाते थे, फिर दर्शन कराए उन्होंने अपने जो उनके यजमान हैं, और यजमानों से वहाँ पर दक्षिणा भी नहीं ली जाती थी। जब शीतकाल में ये यात्रा बंद हो जाती थी, उस समय फिर तीर्थ पुरोहित भ्रमण में उन इलाकों में जाते थे जहाँ के उनके यजमान होते हैं, और वहाँ पे जाकर के उनके घरों में रहते थे, उनको कुछ दक्षिणा भी मिलती थी, और एक बड़ा अच्छा एक तरतीब बन रखी थी तीर्थ पुरोहित यजमान और भगवान की आपस में कोऑर्डिनेशन का जो तरीका बनाया गया था, इसी के साथ में जुड़ती थी तब भी पहाड़ों में रोज़गार की जो सुविधाएं थी, छोटे छोटे होटल होते थे, छोटे छोटे बीच में दुकानें होती थी, वो भी यात्राओं पर निर्भर करती थी। धीरे धीरे करके सिस्टम बढ़ता गया, सुविधाएं बढ़ती गई। अब सब कुछ अगर अच्छे तरीके से चल रहा है तो शायद क्यों ज़रूरत पड़ी, पहले तो ये देवस्थानम बोर्ड बनाने की जो सोच सरकार लेकर के आई बीजेपी सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जब वो कार्यकाल में, जिस दिन से देवस्थानम बोर्ड बना है उस दिन से, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों से तो पूछा नहीं गया, तो उस दिन से ना उस पर हंगामा चल रहा है, हड़ताल में बैठे हैं तीर्थ पुरोहित। अब तीर्थ पुरोहित अगर हड़ताल में बैठे हैं मंदिरों में और सरकार उनको सुनने को तैयार ही नहीं है, मतलब ये धर्मस्थल है, सरकार वहाँ पे कोई चीज़ बिल्कुल अपने फैसले से बदली करने को तैयार नहीं है, तो तीर्थ पुरोहित एक साल के बाद में उस स्टेज में आए कि उन्होंने अपने खून से चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री जी को भेजी, तब भी किसी की समझ में नहीं आया। अब बचा इलेक्शन से पहले तीन चार महीने में, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं हमारा बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए, सारी जनता हमारे खिलाफ हो रही है, जो व्यवसाय वाले हैं वो खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि वो भी जुड़े हैं साथ में ये देवस्थानम बोर्ड के जो डिसीज़न जो सरकार ने लिए उससे। तो इन्होंने जो नए मुख्यमंत्री बने श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से बात करी और उन्हें बोला कि हम एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी फैसले बदलेगी और वो वाले फैसले लेके आएगी जो तीर्थ पुरोहितों के विचार को समर्थन देगी। 30 अक्टूबर की डेट दी कि 30 अक्टूबर तक हम लोग ये कमेटी का फैसला निर्णय आपके सामने लेकर के आएंगे। अब सबको पता है कि पहाड़ों में जो अभी हमारी चारधाम यात्रा है बद्रीनाथ को छोड़ करके 5 और 6 नवंबर को सारे कपाट बंद हो रहे हैं, तो मंशा देखो सरकार की, एक बार कपाट बंद हो गए तो उसके बाद में क्या होगा, यात्रा तो बंद हो जाती है, फिर वह यात्रा होती है खाली उन गाँवों में जहाँ पे कि देवता या देवी की डोली नीचे आती है, यात्रा बंद हो गई और उसके बाद में किसी को पता नहीं चलेगा, तो देवस्थानम बोर्ड की जो इन्होंने कमेटी बना रखी है उस कागज़ को फाइल को ठंडे बस्ते में डाल देंगे इलेक्शन तक, ताकि इलेक्शन में मुद्दा ना बन सके। अब ऐसी स्थिति में जब ये स्टेज आ गया था और अचानक प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 5 नवंबर को केदारनाथ में, कुछ शिलान्यास भी कर रहे हैं और उनकी भावना भी है, वो आते ही हैं केदारनाथ में हमेशा, तो सरकार को कहीं लगा होगा कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, तो इन्होंने फिर अपने मंत्रियों को बोला कि तुम जा करके देखो, तो मंत्रियों ने अपनी सेटिंग करने के लिए कि मैं जा करके ठीक करता हूँ ऊपर जाने का मूवमेंट शुरू करा। तीर्थ पुरोहितों को समझ में आ गया कि हमारे साथ तो गेम खेला जा रहा है, तो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये हीन सोच के साथ में देवस्थानम बोर्ड को अभी तक सपोर्ट कर रखा है कि गलत नहीं है, वो गए केदारनाथ, और क्या हुआ कि केदारनाथ में जो धाम है एक मतलब इस तरीके का प्रकार है, नीचे से रास्ता है, उस धाम में अंदर घुसने के लिए जो पुल है, तीर्थ पुरोहित खड़े हो गए, काला झंडा लगाया और हाय हाय करी और अंदर नहीं घुसने दिया पुराने मुख्यमंत्री को। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वहाँ पे भी मेरे ख्याल से अगर बोल देते ना तीर्थ पुरोहितों को कि शायद हमसे गलती हो गई, तो तीर्थ पुरोहित तो इतने दिलदार भी हैं कि वहीं क्षमा कर देते और चीज़ें ख़राब नहीं होती। पुराना मुख्यमंत्री एक ओहदा होता है, उसको केदारनाथ जैसी जगह से जहाँ पे कि शिव का सबसे बड़ा मंदिर है, ये पूरा उत्तराखंड में ही शिव का इतना बड़ा निवास है, उसके उस जगह से वापस भेज दिया गया। मेरे को लगता है कि पता नहीं ये किस मंदिर में कभी जा भी पाएंगे क्या। उसके बाद वहाँ पे गए अपने मदन कौशिक जी और धन सिंह रावत जी,
ये भी कुछ मंशा से गए होंगे कि चलो हम कर लेंगे तीर्थ पुरोहितों को खुश। तीर्थ पुरोहितों ने देखा नहीं इनको, तो ये मंदिर में चले गए। जब मंदिर से बाहर आए तो इनको भी घेर लिया गया, 2 घंटे तक बिठा के रखा, फिर उसके बाद में इनको ही वापस भेज दिया। देवस्थानम बोर्ड इतनी स्थिति में आ गया है कि धर्म स्थलों पे अगर ये वाली कार्रवाई हो रही है तो मेरे को लगता है आज भी सरकार जाकर के तीर्थ पुरोहितों का सॉरी बोल देगी, तो ये सब के सब एकदम से बातों को मानेंगे और देवस्थानम बोर्ड को एकदम से भंग करने की जो सरकार की जो प्रोसेस है उसमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन सरकार क्या कर रही है, शांत बैठी हुई है। अब 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि वो ज़रूर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए इस सरकार को बुद्धि दें। प्रधानमंत्री जी वैसे भी शिव के भक्त हैं, उनका वो पहले काफ़ी समय केदारनाथ में खुद रहे हैं, मैंने उनको खुद देखा है वहाँ पे, जब पहली बार वो आए थे, जब उन्होंने बोला था कि मैं बाबा का बेटा हूँ, और बाकी में उनकी बहुत सारी भावनाएं इस जगह जुड़ी हैं, शायद वो ज़रूर हमारी सरकार